सो है गाइस, आप लोग भाई जब भी ऐसा फेस स्मूथ करते हो तो आप लोग से भाई ऐसा फेस स्मूथ नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कितना बेस्ट क्वालिटी वाला फेस स्मूथ करता हूँ। मैं आप लोग को भाई सिखाऊंगा यही कि आप लोग कैसे अपने फेस को स्मूथ करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो भाई, मैं सबसे अलग और भाई सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला फेस स्मूथ किया हूँ। तो मैं आप लोग भाई सबसे कम टाइम में सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे अपने फेस को मेरे जैसा स्मूथिंग करेंगे। तो गाइस, मेरे जैसा फेस अपना स्मूथ करने के लिए आप लोग को सिंपल सा अपने गैलरी में जाना है। सो गाइस, गैलरी में आने के बाद आप लोग मेरा सिंपल फोटो देख सकते हो। भाई मैं इस फोटो को भाई थोड़ा सा भाई स्मूथ नहीं किया हूँ और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और मैं इसी फोटो को आप लोग के सामने भाई कुछ इस टाइप से स्मूथिंग करके दिखाऊंगा। तो इस टाइप से फेस स्मूथ करने के लिए आप लोग को अपना सिंपल फोटो लेना है और सिंपल फोटो लेके आप लोग को सेंड करना है स्केच बुक में। तो आप लोग जैसे अपने फोटो को स्केच बुक में सेंड करते हैं तो आप लोग का फोटो वहाँ पर सेंड हो जाएगा। और फोटो सेंड होने के बाद आप लोग को भाई यहाँ से इंपोर्ट करके और आप लोग को भाई डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड करने के बाद आप लोग अपने फोटो को भाई दोबारा से अपने स्केच बुक में लोड कर लेना है। तो देख सकते हो मेरा फोटो यहाँ पे आ चुका है, जो मैं गैलरी से अपने फोटो सेंड किया हूँ। और फोटो आने के बाद आप लोग को सिंपल सा इस वाले फोटो को भाई ना स्मूथिंग करने के लिए आप लोग को यहाँ से क्लिक करना होगा इस वाले ब्रश वाले ऑप्शन पे। और ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को नीचे आना है और यहाँ से आप लोग को मिलेगा बहुत सारा ब्रश। तो आप लोग को सिंपली सा आप लोग को क्लिक करना है इस वाले ब्रश पे और इसको लेने के बाद आप लोग को करना है कट। और कट करने के बाद आप लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ मेरा ब्लैक है। तो मैं जैसे यहाँ पे अप्लाई करूँगा भाई मेरा ब्लैक ब्लैक हट जाएगा और मेरा फेस यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो भाई मैं कितना HD क्वालिटी में अपने फेस को आप लोग के सामने भाई स्मूथ कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो भाई जहाँ मेरा ब्लैक था मैं वहाँ पर अप्लाई किया हूँ, मेरा ब्लैक ब्लैक हट चुका है। तो आप लोग भाई समझ जाना कि मेरा फेस वहाँ पर स्मूथ हो चुका है। और आप लोग भाई जहाँ जहाँ अप्लाई करेंगे अपने भाई ब्रश को ना, आप लोग का वहाँ पे स्मूथ होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भाई यहाँ पे मेरा पिंपल्स है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ भाई यहाँ पे हट चुका है। और आप लोग भाई समझ सकते हो कि मेरा फेस यहाँ पे स्मूथ हो चुका है। तो मैं ना अपने फेस को कुछ इस टाइप से स्मूथ करता हूँ और आप लोग देख सकते हो भाई सबसे अलग क्वालिटी वाला भाई सबसे अलग। और ऐसा आप लोग को ना भाई कोई नहीं बताएगा 100% भाई फेस स्मूथ करना। तो आप लोग देख सकते हो भाई, आप लोग भाई यहाँ पे देख लीजिए भाई, आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए भाई यहाँ ब्लैक है। तो मैं जैसे अप्लाई करूँगा गाइस मेरा ब्लैक ब्लैक हट जाएगा और मेरा यहाँ से पूरा अच्छे से स्मूथिंग हो जाएगा। तो आप लोग भाई समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे स्मूथ कर दिया हूँ आप लोग के सामने। और मैं ऐसे ही अपने फेस को स्मूथ करता हूँ भाई, इसमें कोई भाई ना इसमें कोई भाई सबसे कठिन तरीका नहीं है भाई, सबसे आसान तरीका है फेस स्मूथ करने का। और आप लोग चाहेंगे तो आप लोग ऐसे कर लेंगे, बस आप लोग को ना भाई जल्दीबाजी में अपने फेस को स्मूथ नहीं करना है। और आप लोग देख सकते हो मैं कितना अच्छे से अपने फेस को यहाँ पे स्मूथ कर दिया हूँ। तो भाई ना मैं ऐसे ही अपने फेस को स्मूथ करता हूँ और आप लोग भी भाई ऐसे करेंगे तो आप लोग का होगा। तो देख सकते हो भाई सबसे कम टाइम में ही मैं स्मूथ कर दिया हूँ। और आप लोग का जहाँ छूट जाएगा आप लोग वहाँ कर लेना भाई, मैं बस आप लोग को समझा रहा हूँ। तो देख सकते हो मेरा यहाँ पर ना भाई स्मूथ हो चुका है। और अपना होंट को भाई कलर करना है, तो इस होंट को भाई कलर करने के लिए आप लोग को डबल लेयर पर क्लिक करके आप लोग को सॉफ्ट लाइट करना है। और सॉफ्ट लाइट करने के बाद आप लोगों को कलर लेना है यहाँ से रेड, और भाई रेड कलर आप लोग को लेके आप लोग को करना है कट। और यहाँ से आप लोग को लेना है ब्रश, तो ब्रश लेके ना आप लोग को यहाँ से फेस को अपने जूम करना है और लिप्स के ऊपर आप लोग को अप्लाई करना है। तो देख सकते हो काफ़ी तगड़ा मैं आप लोग के सामने अपने फेस को स्मूथ करके दिखाया हूँ और आप लोग के सामने अपने लिप्स को भाई मैं कलर कर दिया हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए बाय। अगर आप लोग भाई कोई दिक्कत और भाई कोई प्रॉब्लम भाई आप लोग कमेंट कर देना।